स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट प्रोग्रेसिव आर कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, जो है हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे जो है जो हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, अभी जो हम पास्ट जो है प्रोग्रेसिव पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये पास्ट का जो सेकेंड टाइप्स है, पास्ट में बोल सकते हैं, टाइप्स बोल सकते हैं। ओके, सो यू कैन से ये जो हम कैसे समझेंगे कि ये जो है पास्ट जो है कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसके पहचानने के लिए कुछ हमने लिखा है, आप देख सकते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो पास्ट प्रोग्रेसिव होता है वो पास्ट में हमको बीता हुआ, और प्रोग्रेसिव मीन्स जो है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस जो मीन्स चल रहा होता है, जैसे वो खाना खा रहा था, मीन्स पास्ट में जो ये क्रिया जो है वो क्या हो रही है, काम जो है हो रहा था। ठीक है, जैसे वो बाजार जा रहा था, मीन्स हम पास्ट में बोल रहे हैं लेकिन कंटिन्यूअस में जो चीज़ें कंटिन्यूअस लगातार हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका जो रूल्स होता है, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉच या वर, वॉच वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो स्टूडेंट्स है वॉच और वर, तो इसको आपको देखना है कि कहाँ पे वॉच लगाना है और कहाँ पे वर लगाना है। ठीक है, तो आप जो है सब मैंने बता दिया पहले कि जो है सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर मीन्स जब एक की बात की जाए, और प्लूरल मीन्स बहुत सारे। तो आप सिंगुलर में जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, प्रिया, मोहन, सोहन, कोई भी नाम। ठीक है, बॉय, गर्ल, एक चीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो ये हुआ सिंगुलर। तो जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, वॉच का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ही वॉच, मोहन वॉच, प्रिया वॉच, ठीक है, कुसुम वॉच, ठीक है, ऐसे जो है, या फिर डॉग वॉच बार्किंग, जो कुत्ता क्या कर रहा था, भौंक रहा था, एक कुत्ते के बारे में, तो डॉग। ठीक है, द काउ वॉज ईटिंग ग्रास, गाय जो क्या कर रही थी, घास खा रही थी। तो इस तरह से जब हम एक चीज़ के बारे में जो है, एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में जब हम बात करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो उसके लिए हम वॉच का यूज करेंगे। ठीक है, और भी एक रूल है कि जब आई जो है फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट, उसके साथ भी हम हमेशा आई के साथ वॉच का यूज करते हैं। ओके, और स्टूडेंट जब जब जो है सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। प्लूरल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जब बहुत सारे की बात की जाए, जैसे बॉयज मीन्स बहुत सारे बॉयज की बात किया जा रहा है। ठीक है, गर्ल्स, बहुत सारे गर्ल्स की बात, दे मीन्स वे लोग, ये एक सब्जेक्ट क्या है, सब प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स, ठीक है, तो डॉग्स वर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे थे, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी सब्जेक्ट आपका प्लूरल आएगा, तब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो है वर का यूज करेंगे, तब ये वर का यूज करेंगे। ओके, सो हियर वी कैन से ये सम एग्जांपल्स आर हियर, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, तब आप क्या करेंगे, जैसे आई वॉच रीडिंग, एक आई के साथ जो यूज करते हैं वॉच का। दूसरा जो है सी वॉच टाइपिंग अ लेटर, सी क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सी मीन्स वो एक लड़की है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सी वॉच टाइपिंग अ लेटर, वह क्या कर रही है, जो टाइपिंग कर रही है लेटर्स को। ठीक है, तो ये जो है क्या हुआ, जो है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का जो है सेंटेंस रहा। इसी तरह इफ सब्जेक्ट इज द प्लूरल, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तब हम कैसे बनाएंगे, अभी जैसे वी मीन्स हम लोग। ठीक है, वी वर लर्निंग रूल्स, हम लोग क्या कर रहे थे, रूल्स जो है पढ़ रहे थे, वी वर लर्निंग रूल्स, हम जो है रूल्स पढ़ रहे थे। वी क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, वर का यूज किया। ठीक है, तो इस तरह से जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, तो आप वॉच का यूज कीजिएगा, और आई के साथ वॉच का यूज कीजिएगा, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, दे, वी, यू, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वर का यूज करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, नाउ सी नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक निगेटिव एंड क्वेश्चन। ओके, जब आपको निगेटिव, जब आपको जो है निगेटिव सेंटेंस बनाने होंगे पास्ट प्रोग्रेसिव के, तब आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा है स्टूडेंट्स, ये जो रूल्स आपने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट, तो वॉज या वर के बाद हम क्या करते हैं, केवल निगेटिव नॉट का यूज करते हैं, तो वो जो क्या बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस बन जाता है।
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इज है वो वैसे ही रहता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं यहाँ पे, आई वॉज नॉट प्लेइंग, ओके मैं नहीं खेल रहा था, ठीक है। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। यू वर नॉट स्लीपिंग, तुम नहीं सो रहे थे। तो यहाँ पे वॉच के बाद हम नॉट जोड़ देते तो क्या होता है, स्टूडेंट सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यू वर नॉट स्लीपिंग, यू जो है क्या है सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। वर जो है क्या है हमारा जो है पास्ट प्रोग्रेसिव का ये जो है हेल्पिंग वर्ब वर है, और वर यहाँ पे क्यों है क्योंकि यू जो सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट जो है क्या स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, यू मीन्स तुम लोग आप लोग, ठीक है। और वर ठीक है हेल्पिंग वर, एंड दिस नॉट इज यूज फॉर द निगेटिव, क्योंकि हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, इसलिए हमने नॉट का यूज किया है। स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या है वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ दिया, स्लीपिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यू वर नॉट स्लीपिंग, तुम लोग नहीं सो रहे थे, सो दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, ओके। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, वॉच वर, इसका जो रूल्स होता है स्टूडेंट्स, वॉच वर में जो हमारा हेल्पिंग वर वॉच वर आता है उसको हम पहले लिख देते हैं, जैसे कि पहले हम आपको बताए थे, ठीक है। रूल्स होते हैं ये वॉच वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यस, बिना क्वेश्चन मार्क के अगर आप सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव तो उसके क्वेश्चन मार्क जो है इज कंपल्सरी, ओके ये कंपल्सरी होता है। तो इस तरह से जैसे आप सेंटेंस यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम्पल जो है वो वर वाइज वॉचिंग मूवी, वॉच मीन्स क्या, ठीक है, वर मीन्स क्या, वॉइज मीन्स लड़के, वॉचिंग मूवी क्या लड़के मूवी देख रहे थे, क्या किया जा रहा है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए क्या हुआ स्टूडेंट्स प्रश्नवाचक वाक्य हुआ, क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस हुए, ओके। ऐसे यहाँ पे सेकेंड जो है वॉच प्राइम मिनिस्टर डिलीवरिंग स्पीच, क्या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे थे, ठीक है, क्या वॉच मीन्स क्या, वर मीन्स क्या, क्यों इसका क्या क्यों आता है, क्योंकि हम इसको क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो गया अगर आप आगे उसको लगाते हैं, जैसे इज एम आर हो गया, डू या डज हो गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। जब भी हम सेंटेंस जब बनाते हैं किस फॉर्म में बनाना है उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो जब भी आपको अच्छा मतलब ऐसे जो क्वेश्चन पूछने की जो क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे, ठीक है, जो है सब्जेक्ट के आगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन टाइप सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वॉच प्राइम मिनिस्टर डिलीवरिंग स्पीच, क्या जो है प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे थे, इस तरह से आपका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या हुआ खत्म हुआ। नाउ वी सी यस फ्यूचर टेंस, ओके थर्ड इज द फ्यूचर टेंस। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न फ्यूचर टेंस, एंड यू नो दैट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो चीज़ें हम जो है मतलब हुआ नहीं है, अना हुआ हो रहा है, ठीक है, ये मीन्स होने वाला है, ठीक है, मीन्स ये हम फ्यूचर की बातें हम सोचते हैं, ठीक है, अभी तक वो होगा कि नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम सोचते रहते हैं अक्सर भविष्य की बातें कि फ्यूचर में कल क्या होगा, ठीक है, परसों क्या होगा, कल मैं घर जाऊँगी, कल मैं खाना खाऊंगी, मीन्स फ्यूचर जो टेंस होता है स्टूडेंट उसका जो पहचान होता है मीन्स जो गागेगी करके आते हैं, जैसे कि वह घर जाएगा, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो कि वह कल जो है स्कूल नहीं आएगा, मीन्स अगर निगेटिव बनाना है, या फिर कल बारिश होगा, नहीं भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है, कल धूप होगा, ठीक है, मीन्स हम चीज़ें क्या करते हैं प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, प्रिडिक्ट मीन्स हमें संभावना जताते हैं कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये होता है स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, ओके। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस जो होता है ये जो है जिस निर्वाह के क्रिया के अंत में इसका पहचान होता है, गा गेगी मीन्स वह घर जाएगा, आज कल बारिश होगी, कल मेरे मामा आएंगे, कल मेरी मम्मी जो है दिल्ली जाएंगी, ठीक है, मीन्स हम जो है आगे की बातें सोचते हैं, फ्यूचर की बातें, आगे की बातें सोचते हैं, कल क्या होगा परसों क्या होगा, तो उसे हम स्टूडेंट्स बोलते हैं फ्यूचर टेंस, ओके। तो इस तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस के जो रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या सेल्फ प्लस वी1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है, इसमें जो हम विल या सेल लगाते हैं, जैसे आई के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ जो है विल लगा सकते हैं, ठीक है। और आई के साथ भी कभी कभी जब चीज़ें जो है बहुत ही मतलब जोर जबरदस्ती किया जा रहा है उसके साथ भी हम विल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स जैसे मैं जो है मैं कल घर जाऊँगा, मतलब हम क्या करें, यस उसमें हम फोर्स कर रहे हैं किसी सेंटेंस पे, तो हम आई विल ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से आई शैल ड्रिंक कॉफी, मैं क्या करूँगा कॉफ़ी पीऊँगा, ठीक है, या पीऊँगी, ठीक है, अगर लेडीज है तो। इस तरह से आई शैल, आई के साथ जो है शैल लगाते हैं, ठीक है। ये जो शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो हम जो फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम शैल का यूज करते हैं। और ड्रिंक क्या है, वर्ब है, जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब है और वर्ब जो है ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और कॉफी क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं निगेटिव कैसे मारते हैं स्टूडेंट। जब भी हम जो है फ्यूचर सिंपल का या जो है इंडिफिनिट जो सिंपल जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है उसका जब हम निगेटिव बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो विल या सेल के बाद जो हेल्पिंग वर्ब विल या सेल होता है उसके बाद हम केवल नॉट लगा देते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो निगेटिव बन जाता है। ओके, सो हियर यू कैन सी माय फादर, ये पहले रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी वन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये विल या सेल, इसके बाद केवल आपको नॉट लगाना है तो आपका निगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, माई फादर विल नॉट ड्रिंक चॉकलेट, मेरे जो पापा जो है या पिताजी क्या किए, चॉकलेट नहीं लाएंगे। माई फादर, मेरे पिताजी विल मीन्स हमको जो है फ्यूचर, एंड नॉट ड्रिंक चॉकलेट, मेरे पिताजी चॉकलेट नहीं लाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स इस प्रकार निगेटिव फॉर्म कर सकते हैं और ऐसे ही आप इंट्रोगेटिव भी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म करके बता देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। यही जो विल और सेल है इसको आप आगे लाके लगाएंगे तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे जैसे आप इसको बना देंगे सेल आई ड्रिंक कॉफी, और क्वेश्चन मार्क, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो फॉर्म हो गया। ये विल और सेल को हम बाहर से लाके और क्वेश्चन जो है टाइप सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, थैंक यू।